किधर किधर लिस्ट हो रहे हैं और क्या क्या प्राइस हो सकती है। जो सोच रहे $1 है तो उनके सब सपने टूटने वाले हैं, क्योंकि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, ये प्राइस बहुत अच्छे से हाई होने वाली है। तो मेरा तो यही कहना है कि लिस्ट होते ही अगर $100 तक चला गया या $200, आप अपने जो भी टोकन रहेंगे उसमें से 50% बेच दो, क्योंकि एक प्रॉफिट बुक कर लो अच्छा खासा, क्योंकि आपने इतने साल टाइम दिया हुआ माइनिंग के लिए, ठीक है। तो एक प्रॉफिट बुक करना तो बनता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें OKX वगैरह, मैक्सी ग्लोबल, जो भी एक्सचेंज है, ये सब आपको क्या लगती है हैवी एक्सचेंज है दोस्तों? नहीं, क्योंकि इनमें जो है कि लोग जितने के इसमें जुड़े हुए हैं, OKX टोटल 2.2 मिलियन की इसकी ट्रेडिंग वाले पब्लिक है, इतनी सारी पब्लिक जुड़ी हुई है। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें लिस्टिंग के बारे में दोस्तों मेनली ये है कि अप्रूवल पूछा गया था, मतलब हाँ भाई लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिटमार्ट वालों ने पूछा था अपने मतलब लोगों से जो है कि साइन अप करके बैठे हुए बिटमार्ट को, ठीक है, बिटमार्ट एक्सचेंज में जिन जिनके अकाउंट है, तो उसमें से 90% लोगों ने अप्रूवल किया हाँ भाई लिस्ट करो। और नेक्स्ट है DigiFinex, इसमें से 80% लोगों ने बोला हाँ लिस्ट करो। और एक स्टार्टअप फ्री ऑफरिंग है, उसमें भी 94% ने ये बोला। तो सब अभी KuCoin में भी पूछा तो भी 87% ने बोला, एल बैंक में पूछा था, ऐसे सब एक्सचेंज में है कि मतलब उनसे ये ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं भाई हम लिस्ट करें या नहीं करें कोर टोकन को। बट इसमें आप देख सकते हो 95% लोगों का अप्रूवल है कि हाँ भाई लिस्ट करो कोर डाओ को, हमको कोर डाओ चाहिए, मतलब हमको बाय करना है कोर डाओ। अभी इंडियन एक्सचेंज कौन सी थी दोस्तों? इंडियन एक्सचेंज आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये इंडियन एक्सचेंज ये है, इसमें रिसेंटली एडेड में मैं दिखाता हूँ। तो इधर देखो कोर डाओ इन्होंने ऐड कर दिया है, APT देख सकते हो, बोन देख सकते हो, इसके साथ ही कोर डाओ भी ऐड हो चुका है आज। वैसे भी दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा गिरा हुआ है, कि गिरने का कारण वही था कि पंप भी लिया था कि फेक पंप था वो, पहली बात तो मैंने पहले ही बोला था कि फेक पंप है करके, वो जल्दी से जल्दी नीचे आने वाला है, थोड़ा और भी थोड़ा नीचे गिरेगा, 18,500 के लेवल तक आ सकता है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन में आप ट्रेड करते हो तो आप देख लो, ठीक है, डॉलर बोल रहा हूँ, $18,500 तक आ सकता है। अभी दोस्तों मेनली ये है कि इधर आप देख सकते हो कि इधर रिसेंटली ऐड में जाते ही इधर आपको दिखाई देगा कोड डाउ ऑलरेडी एडेड है ये सन क्रिप्टो में, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था, लिंक प्रोवाइड कर रहा था, भाई सन क्रिप्टो ऐप आप रखो अपने पास, क्योंकि इंडियन पैसों में आप डिपॉजिट और भी इजीली कर पाओगे। आपको बाय करना है तो भी कोड डाउ इधर से इजीली कर पाओगे। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, मैक्सी ग्लोबल वगैरह, उसकी भी लिंक वगैरह सब प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो मैं दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में मैंने एक वीडियो डाला था, इसमें सब मैंने लिस्टिंग किधर किधर हो रही है और इसकी प्राइस अभी क्या जाने वाली है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें आपको ये मेटामास्क में कैसे अपना वॉलेट लिंक करना है करके, जो सतोशी कोर का है, उसके बारे में भी मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना के आपको भी दी है, कि आपको कुछ कन्फ्यूजन न रहे, जिसके असर पासवर्ड खो गए या कुछ हो गए, सब कुछ पूरा डिटेल से आपको कैसे ऐड करना है, मतलब सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में डाल के अभी दे दिया। आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों है कि मेनली है कि इन्होंने क्या अपडेट दी है, इन्होंने दोस्तों एक बात लिखी हुई है इधर, आप इम्पोर्टेंट है बहुत ही, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है कि भैया पहले 5-10 साल पहले के दो फ्रेंड्स थे, कि कौन थे, एक अपने बिटकॉइन था, एक इथेरियम था, 5 साल पहले। तो दोनों ने मिलकर बात किया कि हम है कि ब्लॉकचेन को ऐसा इंप्रूव करेंगे, ऐसा करेंगे करके, उन्होंने अपना अपना, किसी ने स्पीड लाया, किसी ने अपना ब्लॉकचेन इंप्रूव किया कि कोई हैक नहीं कर पाएगा। बट अभी दोस्तों इन दोनों का मिला के एक ही एक बंदा आया, मतलब इन दोनों की क्वालिटी रहती है ना वो एक ही के अंदर है, वो किसके अंदर है, कोर डाओ के अंदर। तो इसलिए आपको कब से बोल रहा हूँ कि कोर डाओ जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपके जो भी है कि लॉकिंग रहेंगे वो आपको 2-3 साल के बाद बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, कि इसकी वैल्यू इथेरियम तो नॉर्मल है, बिटकॉइन की प्राइस भी टच कर सकती है आसपास में, ठीक है। बट इथेरियम की प्राइस तो टच कर ही देगा दोस्तों, वो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी जब लॉन्च होगा, कम से कम 10-12 एक्सचेंज में, जो भी बड़े बड़े एक्सचेंज है उसमें लॉन्च होने वाला है, उसमें भी BinanceCrypto.com तो बाकी है, उसमें अगर लिस्ट हो गया दोस्तों इन एक्सचेंजों के छोड़ के, इसमें अगर एक्सचेंजों में लिस्ट होते ही ये प्राइस $100-200 जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, कभी भी ध्यान रखो कौन से भी आप टोकन ले लो, सब है कि ट्रेडिंग होते ही एटलीस्ट 100x 200x ऐसा ऊपर जाते ही, ठीक है। तो $100-200 आराम से जाएंगे। तो मैं इसलिए बोला कि 50% आप सेल कर सकते हो, क्योंकि आप इतने टाइम वक्त दिया है तो आप एक प्रॉफिट बुक कर लो थोड़ा सा, एटलीस्ट आपको काम आए, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि अभी बाइनेंस और बिटकॉइन, बाइनेंस और Crypto.com में वगैरह, कॉइन बेस में वगैरह लिस्ट होते क्या होगा, तभी दोस्तों इसकी प्राइस जो हम सोच रहे हैं ना इथेरियम वाली,
वो वाले आसपास जाने का फुल चांसेस है। तो पहले इसमें लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद उसमें लिस्ट हो जाएंगे। अभी तक कोर टोकन दोस्तों है कि अपने मेटामास वॉलेट में सिर्फ हमने लिंक किया, अभी तक आए नहीं है, जल्द से जल्द आ जाएंगे, आप उसका कुछ टेंशन मत दो अगर आपने अच्छे से लिंक कर दिया है तो। नहीं पता तो है कि वीडियो दी हुई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस सबको रहता है, बट एक बात याद रखनी चाहिए, कभी भी प्राइस पंप कैसे करती है कि कौन सा भी न्यू प्रोजेक्ट आता है तो इसके पीछे कौन खड़े है वो सोचो। बिटकॉइन वाले इन्वेस्टर खड़े हैं, बिटकॉइन माइनर्स खड़े हुए हैं, और बड़े बड़े इन्वेस्टर मतलब इंतज़ार करते पड़ रहे हैं यार कब कोर डाओ लॉन्च होगा। तो अभी सब कुछ हो गया लॉन्च वगैरह, अभी जल्दी से टोकन आते ही आपको 50% सेल कर दो, बाकी रखो, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक करो, और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करते जाओ दोस्तों, तब आपका सपोर्ट मिलता है और मुझे लगता है कि और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनानी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक टेक केयर एंड बाय।